हेलो यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरि द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड लेक्चर वीडियो नंबर फोर है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, अगर एफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन है तो वो तब कहलाता है एफ टी इज़ पीरियोडिक फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन एफ टी है और पीरियोडिक फंक्शन है और वो तब कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन अगर उसके लिए एक रियल नंबर कैपिटल टी ऐसा मिल जाए कि अगर हम फंक्शन एफ टी में टी की जगह पर टी प्लस कैपिटल टी रिप्लेस करें तो फंक्शन की वैल्यू वही है जो एफ टी के बराबर थी। फिर फंक्शन में टी की जगह पर टी प्लस टू टी रिप्लेस करें तो भी फंक्शन की वैल्यू वही आए जो एफ टी की थी। ऐसी टी को टी प्लस थ्री टी रिप्लेस करें तो फंक्शन की वैल्यू वही आए जो एफ टी थी। तो ये सभी वैल्यू इसी तरीके से हर टी इंटरवल के बाद सेम रिपीट होती चली जाए तो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, और कैपिटल टी उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। ये जो टी है वो इसका फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एफ टी इक्वल टू अगर साइन टी है तो साइन टी में अगर मैं टी की प्लेस पर टी प्लस टू पाई रिप्लेस करता हूँ तो दोनों तरफ टी की जगह पर टी प्लस टू पाई, तो ये आ जाएगा एफ टी प्लस टू पाई इज इक्वल टू साइन टी प्लस टू पाई। और साइन टू पाई प्लस टी यानी कि साइन 360 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा है, तो ये साइन टी आ जाएगा। और ये साइन टी किसकी वैल्यू थी, एफ टी की। दैट मीन्स ये सॉल्व करके वापस किसके इक्वल बन गया, एफ टी के इक्वल बन गया, यानी कि एफ टी प्लस टू पाई वापस एफ टी आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर t प्लस टू इंटू टू पाई रिप्लेस कर दूँ तो t प्लस टू इंटू टू पाई रख लेंगे दोनों तरफ, तो f t प्लस टू इंटू टू पाई, और ये बन जाएगा साइन t प्लस टू इंटू टू पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये साइन टू इंटू टू पाई का मतलब क्या है, तो टू पाई का मतलब एक राउंड और टू इंटू टू पाई का मतलब दो राउंड, और प्लस थीटा या प्लस टी तो इस वाले क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन टी आ जाएगी। और साइन टी ही किसकी वैल्यू थी, एफ टी की। यानी कि ये भी सॉल्व करके किसके इक्वल आ गया, एफ टी के। तो अगर डेफिनेशन से कंपेयर करें तो एफ टी बराबर अब आ चुका है इक्वेशन वन से, एफ टी बराबर आया था एफ टी प्लस टू पाई, और टू से एफ टी बराबर एफ टी प्लस टू इंटू टू पाई। तो अगर इस डेफिनेशन से इसे यहाँ पर कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करके दिखाई देगा कि यहाँ टी की जगह पर क्या काम कर रहा है, टू पाई, हर टू पाई इंटरवल बाद सेम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए फंक्शन पीरियडिक फंक्शन हुआ। और टी इक्वल टू टू पाई फंक्शन का क्या होगा, पीरियड। तो सो एफ टी इज़ पीरियडिक फंक्शन वेयर टी इज इक्वल टू टू पाई इज पीरियड ऑफ एफ टी, तो एफ टी का पीरियड हो गया। अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम जानते हैं ये जो एफ टी है वो साइन टी है, और साइन टी का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब डायग्राम में अगर हम देखें तो जीरो से टू पाई के बीच में जो साइन का ग्राफ है सेम आगे नेक्स्ट टू पाई इंटरवल लेंथ में, यानी कि टू पाई से फोर पाई तक फिर से वही ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो ये ग्राफ से भी क्लियर है कि हर सेम इंटरवल बाद वही वैल्यू रिपीट होती चली जाए तो फंक्शन पीरियडिक होगा। तो यहाँ पर टू पाई लेंथ के बाद फिर अगले टू पाई लेंथ के बाद सेम ग्राफ बन रहा है तो फंक्शन पीरियडिक फंक्शन होगा। अब हम बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन की, मतलब अगर एफ टी एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कैपिटल टी है, ठीक है, एफ टी अगर पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कैपिटल टी है, या ये भी कह सकते हैं कि एफ टी एक ऐसा फंक्शन है कि एफ टी की वैल्यू एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ टी प्लस टू टी की फॉर्म में है, तो ऐसे फंक्शन को ही तो पीरियडिक कहा जाता है। तो अगर फंक्शन पीरियडिक है कैपिटल टी पीरियड का तो लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये फार्मूला है इंटीग्रल जीरो टू टी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू इसके इक्वल इंटीग्रल जीरो टू कैपिटल टी की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस पी टी, ठीक है, जहाँ पर कैपिटल टी क्या है, फंक्शन का पीरियड है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी, जहाँ पर एफ टी की वैल्यू टी बताई गई है अगर टी जीरो और वन के इन बिटवीन है, यानी कि टी जीरो से बड़ा है वन से छोटा है तो एफ टी बराबर टी, और एफ टी बराबर जीरो तब होगा जब टी वन और टू के इन बिटवीन है, यानी कि वन से ग्रेटर और टू से लेस है, तो एफ टी बराबर जीरो बताया गया है। और बोला गया था फंक्शन कैसा है, पीरियडिक।
जब क्वेश्चन में पीरियडिक वर्ड बोला जाए तभी ये फार्मूला याद कर अप्लाई करना है। तो फंक्शन पीरियडिक बोला गया है तो पीरियडिक फंक्शन का कुछ तो पीरियड होगा, और हमेशा पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल टी पीरियड कैसे निकलता है भाई, टोटल इंटरवल की लेंथ। इंटरवल में फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, जीरो से कहाँ तक, टू तक। तो इंटरवल बना हमारा जीरो से टू, और इसकी लेंथ के इक्वल होगा। और लेंथ कैसे निकलती है, अपर एंड माइनस लोअर एंड, तो लेंथ होगी टू माइनस जीरो। तो ये पीरियड आ गया कैपिटल। अब पीरियड पता चल गया तो इसका लाप्लास निकालना था। तो लाप्लास ऑफ एफ टी पीरियडिक फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू टी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस पी टी। अब कैपिटल टी की वैल्यू टू थी तो वो हमने रिप्लेस कर दी जीरो से टू ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस टू पी। अब इसमें एफ टी की वैल्यू रखेंगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे और लाप्लास की वैल्यू निकलेगी। अब एफ टी की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में एफ टी जीरो से टू इंटरवल में एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये टुकड़ों में टूटी हुई है। जीरो से वन में अलग है, वन से टू में अलग है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इंटीग्रल को तोड़ लेंगे। जीरो से वन प्लस वन से टू, जीरो से वन में, जीरो से वन में एफ टी कितना दिया हुआ है टी, तो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी। वन से टू में ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी था, एफ टी की वैल्यू वन से टू में कितनी है जीरो, वो रख दें। जीरो का इंटीग्रल क्या होता है जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी बचेगा ये इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इंटीग्रल हमारे पास ये बचा जीरो से वन ई की पावर माइनस पी टी टी इंटू डी टी, है ना, और वन माइनस अपॉन में वन माइनस ई की पावर माइनस टू पी। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें इंटीग्रल सॉल्व करना हो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का, तो मैंने आपको यूवी फार्मूला एक बताया हुआ है। यूवी फार्मूला क्या कहता है, अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है जिसमें से एक टर्म ऐसी हो जिसका डिफरेंशियल कुछ टाइम बाद जीरो होना हो, यानी कि टी की पावर एन हो या एक्स की पावर एन हो ऐसा टर्म, तो उसे यू ले लेते हैं और प्रोडक्ट में दूसरी टर्म को वी कंसिडर कर लेते हैं, और ये यूवी फार्मूला इंटीग्रेशन का लगा देते हैं। क्या कहता है यूवी फार्मूला, पहले यू वाली टर्म एज इट इज़, फिर v1 मतलब v का एक बार इंटीग्रेशन, फिर माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से। तो और इसका लगातार डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाओ, और इसका लगातार हर टर्म में इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा du, फिर v1 का फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन v1 का, उसे हम v2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन, तो v2 का फिर इंटीग्रेशन को हम v3 बोल रहे हैं, यानी कि v3 मतलब v2 का, और ऐसे ही चलते जाना है जब तक जीरो ना हो। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना था इसका e की पावर माइनस पी टी इंटू टी का, तो हम देख पा रहे हैं कि t का डिफरेंशिएशन कुछ टाइम बाद जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसे u लिया। दूसरे फंक्शन को हमने इसको क्या ले लिया, v ले लिया। अब फार्मूला लगा देंगे तो क्या कहता है फार्मूला, पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो टी का डिफरेंशिएशन हो गया वन, इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी एक और आएगा तो पी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म में प्लस माइनस अगला क्या आएगा प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन वन का फिर से होगा तो वो जीरो हो जाएगी, टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं। अब इसमें हमने लिमिट रख दी, एक बार अपर लिमिट टी की जगह पर वन और एक बार जीरो, तो सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आ गई, और इसे सिंप्लीफाई किया तो आंसर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होंगे जिन फंक्शंस, जिन क्वेश्चंस में हमें पीरियडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली स्टूडेंट ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी बट वो मेरे से डिलीट हो गई, तो सॉल्यूशन मैं कर ही रखा था तो इसलिए उसी में बताना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं साथ के साथ सॉल्व करता। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन एफ टी जिसकी वैल्यू टी है अगर टी इन बिटवीन है जीरो से सी के, और एफ टी इज इक्वल टू टू सी माइनस टी है अगर टी इन बिटवीन है सी से टू सी के बीच में। तो क्वेश्चन में कहता है आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, तो ये क्वेश्चन करने के लिए 2002 2012 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया फंक्शन पीरियडिक है, तो सबसे पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमें क्या करना होगा, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने को जैसे कहा गया है, तो ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या होता है भाई, ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसेस है कि ये हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो तो एक्स और वाई एक्सिस पर लेकर ड्रॉ करते हैं ना, तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिया टी की वैल्यू को, वाई एक्सिस पर लिया फंक्शन एफ टी की वैल्यू को। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो हमने इसको एफ टी की वैल्यू को वाई एक्सिस पर लिया तो वाई मान लिया। अब जब ये डेफिनेशन को अगर देखें तो डेफिनेशन हमारी
एक इंटरवल में 0 से 2c तक दी हुई है, 0 से लेकर 2c तक दी हुई है। तो ये प्लॉट कर लिया 0 और 2c, और ब्रेक हो रही है सी पर, तो एक पॉइंट सी ब्रेक प्लॉट कर लिया। अब ग्राफ बीच में क्या बनेगा वो ड्रॉ करने के लिए, अब 0 से सी में अगर हम देखें, 0 से सी में देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, वाई इक्वल टू टी, और वाई इक्वल टू टी दोनों पे पावर 1 है, वाई पर भी टी पर भी, दोनों वेरिएबल पर। तो ये लीनियर इक्वेशन हुई, 1 डिग्री की इक्वेशन है, इसका मतलब लीनियर लाइन की इक्वेशन। लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। तो ये जो इंटरवल टी जिसके लिए डेफिनेशन बताई गई है 0 से सी में, तो इससे 2 पॉइंट ले लेंगे। एक बार टी बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये पॉइंट टी कॉमा वाई की वैल्यू यानी कि 0,0 आ जाए। दूसरी बार टी की वैल्यू सी रखेंगे तो वाई बराबर कितना आया, सी। तो ये सी कॉमा सी पॉइंट आ गया। अब ये 0,0 और सी कॉमा सी पॉइंट प्लॉट कर लिया, फिर दोनों को मिला दिया तो ये ग्राफ बन गया। इसके बाद दूसरा इंटरवल क्या है, सी से 2c। तो सी से 2c के लिए वाई की वैल्यू कितनी है, 2c माइनस टी। अब ये भी फिर से लाइन की इक्वेशन है, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इस इंटरवल में से एक बार टी बराबर सी यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 2c माइनस सी, सॉल्व करके सी आ जाएगा वाई बराबर। तो ये पॉइंट आ जाएंगे टी कॉमा वाई में, टी की वैल्यू सी रखी थी, वाई बराबर सी, तो ये पॉइंट सी कॉमा सी आ गया। दूसरी बार टी की वैल्यू 2c रखते हैं, तो जैसे ही 2c रखेंगे तो 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा। तो टी 2c रखा था और वाई 0 आ गया, तो ये दूसरा पॉइंट। तो सी कॉमा सी और 2c कॉमा 0 ये पॉइंट हो गया, दोनों को मिला देंगे, ये ग्राफ बन गया। अब चूंकि ग्राफ फंक्शन पीरियोडिक बोला गया है, तो ये जो 2c इंटरवल में एक इंटरवल में ग्राफ बनाया या वैल्यू आई है, सेम अगले 2c इंटरवल में यही ग्राफ फिर से रिपीट होगा। तो 0 से 2c में ये ग्राफ बना, फिर 2c से 4c में फिर से यही ग्राफ बनेगा, फिर 4c से आगे 6c तक यही बनेगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू करता चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनकर तैयार। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और निकालो, तो फाइंड करना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft के लिए फार्मूला हमने पढ़ा। ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रल 0 to t की पावर माइनस pt ft dt अपॉन 1 - e की पावर माइनस pt, जहाँ कैपिटल T पीरियड होता है। अब कैपिटल T पीरियड कैसे निकलता है, इंटरवल की लेंथ। इंटरवल की लेंथ आप देख रहे थे कि कितनी थी, 2c - 0, तो 2c ये कैपिटल T की वैल्यू होगी। अब इसमें कैपिटल T की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, तो 0 से 2c हो जाएगा कैपिटल T की वैल्यू रखने के बाद, e की पावर माइनस pt ft dt, और अपॉन में 1 - t की जगह पर वैल्यू रखने पर e की पावर माइनस 2cp आ जाएगा। अब ये इंटीग्रल करना है तो ft की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पर ft हमारा अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू रखता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया। 0 से 2c था तो इसे डेफिनेशन जो फंक्शन में दी है उसके हिसाब से 0 से c ब्रेक करा, और फिर प्लस c से 2c। 0 से c e की पावर माइनस pt इंटू ft था, और ft की वैल्यू 0 से c के बीच में क्या बताई गई है, t, तो वो रख दिया। फिर c से 2c के बीच में ft बराबर कितना बताया, 2c माइनस t, वो रख दिया, और अपॉन में ये वैल्यू थी हमारे पास। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने बताया अभी दो फंक्शन की प्रोडक्ट बने, तो इसमें से एक को u और एक को v ले लेते हैं। u किसे लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम बाद 0 होने वाला, तो हमें पता है t का डेरिवेटिव 1 टाइम करेंगे 1 आएगा, दोबारा करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसी को हमने u ले लिया क्योंकि इस कुछ टाइम बाद इसका डेरिवेटिव 0, और बाकी बचे को v। अब u v फार्मूले से इंटीग्रेट करें तो जो अभी डिस्कस किया था, पहले u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, तो u यानी कि t एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t का pt का क्या होगा, e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस, फिर पहली टर्म प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और इसका फिर से इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt अपॉन p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फिर प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या की प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन एक और बार होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो टर्म ही 0 हो जाएगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब लिमिट 0 से c है वो हम इसमें लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर देखें तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट बन रही है, जिसमें से ये 2c माइनस t जो ये वो जो फंक्शन है 2c माइनस t, इसका डेरिवेटिव कुछ टाइम बाद 0 हो जाएगा, इसलिए इस पूरे को v मान लिया, और ये बचा हमारा u। तो u v फार्मूला लगा देंगे, क्या कहता है u v फार्मूला इंटीग्रेशन का, पहले u एज इट इज़ इंटू में v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस v, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इसका फिर से इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt अपॉन p स्क्वायर, पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लिमिट लगा देंगे c से 2c वाली।
अपॉन में वन माइनस ई की पावर माइनस टू भी चल ही रहा था। अब एक बार सी लिमिट रखेंगे टी की जगह पर तो ये वैल्यू आ जाएगी, जीरो रखने पर ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी। फिर एक बार टू सी रखेंगे टी की जगह पर तो ये वैल्यू टू सी माइनस टू सी जीरो हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर लोअर लिमिट सी रखेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा, अपॉन में ये वैल्यू चली रही थी। अब इसमें हम इसे जब हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो बचा उसमें से वन अपॉन पी स्क्वायर वन अपॉन पी स्क्वायर वन अपॉन पी स्क्वायर सब में से कॉमन ले लिया। तो वन अपॉन पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा वन, और इन दोनों टर्म को अगर हम ध्यान से देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगी तो ट्वाइस हो जाएगा, और वन अपॉन पी स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या बचेगा टू ई की पावर माइनस पी सी, और यहाँ से बचेगा ई की पावर माइनस टू पी सी, अपॉन में ये टर्म यहाँ थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर ए वन हो गया बी ई की पावर माइनस पी सी, तो इसे वन माइनस ई की पावर माइनस पी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन वाली टर्म को देखें तो ये वन स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस पी सी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये वन स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस पी सी का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो ये वैल्यू हमने अपॉन में लिख दी वन माइनस पी सी इंटू वन प्लस ई की पावर माइनस पी सी। अब ये पावर एक कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये बचा, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कई बार ये प्रूफ करने को आया हुआ है इस फॉर्म में, तो इसके लिए हम ऊपर नीचे ई की पावर पी सी बाय टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, किससे ई की पावर पी सी बाय टू से, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी, ई की पावर पी सी बाय टू से यहाँ इंटू किया तो ई की पावर पी सी बाय टू, इसमें किया ई की पावर माइनस पी सी बाय टू, इसमें किया ई की पावर पी सी बाय टू प्लस ई की पावर माइनस पी सी, और ये फार्मूला होता है टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा का, ये होता है टेन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा अपॉन ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर देखें तो पी सी बाय टू है, तो ये वैल्यू अगर इससे कंपेयर करें तो अल्फ़ा की जगह पर पी सी बाय टू है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं टेन हाइपरबोलिक पी सी बाय टू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कहता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर एफ टी इज इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पर एफ टी इक्वल टू साइन टी, एफ टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाई ओमेगा, एफ टी इज इक्वल टू जीरो एफ टी ग्रेटर देन पाई बाई ओमेगा लेस देन टू पाई बाई ओमेगा, और कहता है आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। तो ये क्वेश्चन 2004 2013 2017 में आया हुआ है। तो अब अगर हम बात करें इसको फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने का, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो फंक्शन पीरियडिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एफ टी फंक्शन का पीरियड क्या है अगर कैपिटल टी, तो एफ ए टी फंक्शन का पीरियड होता है क्या टी अपॉन ए, यानी कि अगर एफ टी फंक्शन का पीरियड टी है तो एफ ए टी फंक्शन का पीरियड होता है टी अपॉन ए। तो हमने अभी ऊपर एग्जांपल में डिस्कस किया था साइन टी फंक्शन का पीरियड क्या होता है टू पाई, तो साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन ओमेगा टी फंक्शन है तो इसका पीरियड होगा टू पाई बाई ओमेगा। तो एक पीरियड में साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, यानी कि कहाँ से लेकर जीरो से लेकर टू पाई बाई ओमेगा तक ऐसे बनेगा, पर उस बीच में उसने बताया है कि पाई बाई ओमेगा से टू पाई बाई ओमेगा के बीच में जीरो होना है, तो यानी कि ये नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा जीरो से पाई बाई ओमेगा में ये, फिर पाई बाई ओमेगा टू ओमेगा से टू पाई बाई ओमेगा में ये जीरो बन जाएगा। फिर आगे क्योंकि ये पीरियडिक है तो हर टू पाई बाई ओमेगा इंटरवल बाद यही वैल्यू आएगी, तो ये जो इतना ग्राफ है अगले इंटरवल में फिर से यहाँ से लेकर ये इतना ऐसे ही बनेगा, ठीक है, अगले टू पाई बाई ओमेगा इंटरवल तक, फिर उसके बाद फिर से ऐसे ही बनेगा। तो ये पीरियडिक फंक्शन का ग्राफ तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो एक तो ग्राफ प्लॉट करना था कर दिया, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है पीरियडिक फंक्शन का, तो पीरियड किसके इक्वल होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, तो अभी हमने लेंथ ऑफ इंटरवल देखी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कितना होगा टू पाई बाई ओमेगा, तो पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा हो गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था एफ टी का, तो फार्मूला क्या होता है लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस पी टी। अब हमारे क्वेश्चन में पीरियड टी की वैल्यू कितनी थी टू पाई बाई ओमेगा, तो टी की प्लेस पर कैपिटल टी की प्लेस पर टू पाई बाई ओमेगा हमने रिप्लेस कर दिया फार्मूले में, तो यह आएगा जीरो से टू पाई बाई ओमेगा ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, अपॉन में रखेंगे तो वन माइनस ई की पावर माइनस
टू पाई बाई ओमेगा पी। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो एफ टी की वैल्यू रखनी होगी, पर एफ टी इंटरवल पूरे से जीरो से टू पाई में सेम वैल्यू नहीं रखता, क्वेश्चन के हिसाब से तो जीरो से ओमेगा बाई पाई बाई ओमेगा में कुछ साइन ओमेगा टी है, पाई बाई ओमेगा से टू पाई बाई ओमेगा में वैल्यू जीरो है, तो इसलिए हम वैल्यू रखने के लिए इंटीग्रेशन को तोड़ लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो जीरो से टू पाई बाई ओमेगा को तोड़ा, जीरो से पाई बाई ओमेगा, फिर प्लस पाई बाई ओमेगा से टू पाई बाई ओमेगा, जीरो से पाई बाई ओमेगा में ई की पावर माइनस पी टी था, एफ टी की वैल्यू इस रेंज में बताई गई है साइन ओमेगा टी, वो रख दिया। फिर पाई बाई ओमेगा से टू पाई बाई ओमेगा में ई की पावर माइनस पी टी था इन टू एफ टी था, एफ टी की वैल्यू इस इंटरवल में कितनी है क्वेश्चन में जीरो, अपॉन में ये टर्म वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई पी बाई ओमेगा चल ही रहा है। ये इंटीग्रल जीरो का जीरो हो जाएगा, टर्म ही जीरो हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये बचेगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बच गया। अब उसके बाद इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो भाई ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जीरो ई की पावर ए टी इंटू साइन बी टी का क्या होता है, ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। तो ये इंटीग्रल इसी टाइप का है, कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर आपको दिखाई देगा माइनस बी, टी की जगह पर क्या दिखाई देगा ओमेगा। तो अगर इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए तो ये राइट साइड में ए की प्लेस पर माइनस पी और बी की प्लेस पर ओमेगा रिप्लेस करें, जैसे ही ए की प्लेस पर माइनस पी रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, और बी की जगह पर ओमेगा रखेंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस पी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसमें लिमिट रख देंगे जीरो से पाई बाई ओमेगा, तो एक बार टी की जगह पर पाई बाई ओमेगा रिप्लेस किया तो ई की पावर माइनस पी पाई बाई ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर रिप्लेस किया टी की जगह पर पाई बाई ओमेगा तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये बचा माइनस का पी साइन पाई, ऐसे ही यहाँ पर बचा ओमेगा कॉस पाई। फिर जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ये वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, ये टर्म ही जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो वन होता है तो ये आपका माइनस ओमेगा बचेगा, अपॉन में टर्म ई की पावर माइनस टू पी पाई बाई ओमेगा चल ही रहा था। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि इसमें से वन अपॉन हाँ साइन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो ये जीरो रख दिया, कॉस पाई की माइनस वन और ये माइनस पहले से तो प्लस ओमेगा हो जाएगा, ये इनटू में पहले से था ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब ये ओमेगा इनटू ये करेंगे तो प्लस का ओमेगा बाय पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब टोटल में से पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन में जो है वो कॉमन आ जाएगा और ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन ले लिया तो बाकी टर्म हमारी ये बची। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे वन वन स्क्वायर माइनस ओमेगा ई की पावर पी पाई बाई ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी, तो एक बार ये ए माइनस बी और एक बार ये प्लस बी की फॉर्म में लिखा गया, तो प्लस वाली टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी ये जो बचा है इसका आंसर। स्टूडेंट आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए उसके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, अभी ये जो क्वेश्चन आपने किए हैं अगर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अभी समझे हैं वीडियो लेक्चर में उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आज ही कर लेंगे तो आपके ये मेथड माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन जिसे हम सॉ टूथ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जब भी पीरियोडिक फंक्शन आ जाए या वेव फंक्शन आ जाए तो आप समझ जाइए वो पीरियोडिक फंक्शन है, और फंक्शन क्या बताया एफ टी इज इक्वल टू के टी बाय कैपिटल टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो से कैपिटल, यहाँ टी वेरिएबल है, कैपिटल टी इसका पीरियड बताया गया है, पीरियड नहीं बोला गया है, यहाँ से इसे देखकर आपको समझ में आ जाना है कि एफ टी प्लस कैपिटल टी बराबर एफ टी बोला गया है। तो अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि टी में कुछ ऐड करके वापस वही वैल्यू बन जाए, तो टी में क्या ऐड करने बन रही है कैपिटल टी, कैपिटल टी इसका पीरियड हो जाएगा। तो इस पीरियडिक फंक्शन का लाप्लास निकालना है, ये क्वेश्चन 2016 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ, तो इसका आंसर ये है, आप कर सकते हैं ट्राई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव, पीरियड इसका बोला गया है टू पाई, तो यहाँ पर इसका डायग्राम है ये, तो ये डायग्राम इसका गिवन है, ये डायग्राम इसका गिवन है, तो इसको डायग्राम को देखकर आपको समझ में आना चाहिए। मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है जीरो से लेकर टू ए के बीच में जो ग्राफ बना, फिर आगे फिर से ये सेम ग्राफ बनता चला जा रहा है, तो एक इंटरवल 2a के लिए हम फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेंगे, ये फंक्शन पीरियडिक है 2a इंटरवल का, तो एक इंटरवल 2a में यानी कि 0 से लेकर 2a तक इसे ग्राफ को डिफाइन कर लेंगे फंक्शन को, और फिर उसका लाप्लास निकालेंगे।
अब एफ टी बराबर 0 से 2a में टूटा हुआ है, 0 से a में ग्राफ कुछ और लाइन आ रही है, फिर a से 2a में ग्राफ कुछ और लाइन, तो इसलिए एफ टी की वैल्यू को तोड़ लेंगे। एक बार एफ टी आएगी वैल्यू a से t ग्रेटर देन a 0 लेस देन a के बीच में, और एक बार t ग्रेटर देन a लेस देन 2a के बीच में। 0 से a के बीच में जब t है तो ग्राफ क्या बन रहा है, ये लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है, k, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू k, क्या हो जाएगी y इक्वल टू k। बट यहाँ पर y इक्वल टू k इक्वेशन में हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं y एक्सिस पर एफ टी ले रहे हैं, तो y की जगह पर एफ टी आ जाएगा, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, 0 से t के बीच में एक t की वैल्यू 0 से a के बीच में है, तो ये एफ टी की वैल्यू आ गई कितनी, k। ऐसे ही जब a से 2a की बात करेंगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू होगी, पर कितनी डिस्टेंस पे है, ये माइनस के डिस्टेंस पर, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस के हो जाएगी अगर t 0 से a से 2a के बीच में है, तो y की वैल्यू को ही क्या बोल रहे हैं हम, एफ टी, तो एफ टी बराबर माइनस के हो जाए। तो ये फंक्शन आ गया है, ये पीरियड है हमारे पास, तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन का फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक के क्वेश्चंस और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉपिक्स के जो वीडियो हैं, और इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म या अदर यूनिट्स जो हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज और अलग अदर यूनिट्स जो हैं, उन सभी के वीडियो लेक्चर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वीडियो लेक जहाँ पर ये प्ले हो रही है उसके नीचे अगर देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर लिंक दिखाई देगा हर एक यूनिट के, सभी लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं।